नमस्कार साथियों, जनता को भ्रमित करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने हर मोर्चे पर अपनी विफलता को साबित कर दिया है। जनता उनके इस झूठे रवैये को अब समझ चुकी है। कांग्रेस द्वारा इसी श्रृंखला में महंगाई रात कैंप का जो छलावा प्रदेशवासियों के साथ किया, इससे भी स्पष्ट होता है कि उनकी नीतियों आर्थिक वित्तीय प्रबंधन के कारण प्रदेश में महंगाई बढ़ी है। इसी की स्वीकार्यता को छुपाने के लिए राहत कैंप का ढोंग किया गया था, क्योंकि ये स्पष्ट है कि जहां जहां भ्रष्टाचार बढ़ता है वहां महंगाई भी बढ़ती है। राजस्थान में महंगाई की दर पिछले एक साल से हर माह राष्ट्रीय औसत से अधिक बढ़ी है। वह देश की सर्वाधिक महंगाई वाले राज्यों में राजस्थान सम्मिलित हो गया है। सितंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार देश में महंगाई दर जहां 5.2% रही, वहीं राजस्थान की महंगाई दर 6.53% के साथ सबसे शीर्ष पर रही। खाद्य पदार्थों, पेट्रोल, डीजल की कीमतों को रोकने में प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। आज राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर सर्वाधिक वैट, सर्वाधिक मंडी टैक्स व सर्वाधिक महंगी बिजली के कारण जनता को महंगाई की मार पड़ रही है। बिजली महंगी होने से जो राहत देने का ढोंग किया गया है 100 यूनिट बिजली, ये उपभोक्ताओं के साथ भी एक छलावा है, क्योंकि इसके साथ ही फ्यूल सरचार्ज वसूला जा रहा है जम करके। पिछले 4 वर्षों में इसी फ्यूल सरचार्ज के रूप में 1.35 करोड़ उपभोक्ताओं से 4000 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में एक और मंत्रियों के घरों से करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, वहीं इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के पास प्रदेश के रेजिडेंट डॉक्टर व अन्य सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए वेतन भी नहीं है। गणपति प्लाजा में भी गत दिनों जांच एजेंसियों ने लॉकर से कई किलो सोना व करोड़ों की नकदी बरामद की है। इसी प्रकार लाल डायरी के काले कारनामों को सारा प्रदेश अब समझ गया है। आए दिन भ्रष्टाचार के नए नए खुलासे हो रहे हैं। इंडियन स्टेटस एंड इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामलों में राजस्थान नंबर 1 पर रहा है। इसके अनुसार 78% लोगों का मानना है कि भ्रष्टाचार या घूसखोरी के बगैर राजस्थान में कार्य करवाना असंभव सा हो गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में वर्ष 2022 में 511 और 2023 में 281 भ्रष्टाचार की FIR दर्ज हुई है। राजस्थान में बेरोजगारी की दर भी 28.03% हो चुकी है। अटल जी की सरकार ने 2004 में करीब 8% विकास दर और महंगाई कम की जो दर रखी, ऐसा भारत कांग्रेस को सौंपा था। 2014 में इन्होंने करीब 5% की विकास दर और 10% की औसत महंगाई वाला भारत मोदी जी को सौंपा। लूट व झूठ व भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर जनता को महंगाई व कुशासन से त्रस्त करना कांग्रेस के रवैये में सम्मिलित है। अगर वैश्विक परिदृश्य को देखा जाए तो आज अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे विकसित देशों में महंगाई की दर भारत से अधिक है। वर्तमान की ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, सप्लाई चेन डिसरप्शन व अन्य चुनौतियों के बावजूद भी देश में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल व सुदृढ़ वित्त प्रबंधन के चलते बैंक क्रेडिट में ग्रोथ हुई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक्टिविटी बढ़ी है, प्राइवेट सेक्टर का कैपिटल परफॉर्मेंस भी बढ़ा है। इन्हीं नीतियों का परिणाम है कि देश विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है।